गाइस वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और आपको मैथ्स की और ट्वेल्थ की अगर किसी को चाहिए तो वो और बाकी बहुत सपोर्टिंग मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी फाइल बना लेंगे और जिसको इंग्लिश मीडियम चाहिए हो उसको भी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। देखिए प्रयोग वन, दो बिंदुओं के बीच इधर से उधर चलते या दौड़ते व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आपका एम है या उद्देश्य। देखिए आपको क्या जानना चाहिए, आवश्यक सामग्री, प्रयोग कैसे करें, या फिर लिख सकते हैं प्रयोग विधि भी लिख सकते हैं, प्रयोग कैसे करें की जगह। किसी को अगर वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है या ब्लर दिखती है तो आप एक बार अपने फोन की वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके देख लेना, ठीक है। आपको एज इट इज लिखनी है, कुछ भी ऐड या काटना नहीं है इस वीडियो में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ठीक है। और गाइज अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही TMA वेबसाइट पर आते हैं हम उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। निष्कर्ष, इन प्रैक्टिकल्स में जिसमें सावधानी और निष्कर्ष लिखे थे वो लिख दिए हैं, जिनमें नहीं लिखे थे उनमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज नोट कर लेना है। प्रयोग दो, उद्देश्य, कोई और हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तब भी आप कमेंट कर देना। प्रयोग विधि, गाइज आप जब भी ये प्रैक्टिकल्स लिखेंगे तो एक बार अच्छे से लिखिएगा पॉइंट पढ़ के कि आप कौन सा स्टेप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट के बाद कौन सा स्टेप है, सेकंड के बाद फिर कौन सा स्टेप है, इससे आपकी प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहेगी साथ के साथ। और अपनी तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि NIOS में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप पहले आप फाइल लिख लें या फिर पहले TMA सबमिट कर दें उसके बाद फाइल लिखें उसके बाद प्रिपरेशन करें, आपको सब कुछ जस्ट बाद में करना होता है। जैसे ही आपके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं आपके TMA स्टार्ट हो जाते हैं, TMA सबमिट होने के बाद में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं आपके थ्योरी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज अपनी तैयारी करके रखिएगा पहले से ही, ताकि आप अच्छा स्कोर कर लें प्रैक्टिकल 3, प्रयोग 3, ठीक है। गाइज अगर आपको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग डाउट हो या आपको ये डाउट हो कि आपको किस किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या फिर किस सब्जेक्ट का TMA बनाना है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उससे आपको पता लग जाएगा किसकी प्रैक्टिकल ज़्यादा नंबर की होती है, किस में आपको प्रैक्टिकल में मेहनत करने की ज़रूरत है और किस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि प्रैक्टिकल कम नंबर का होता है तो प्रैक्टिकल ऐसे ही कर देंगे और उसके बाद थ्योरी की तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका वो हो गया पेंटिंग का, पेंटिंग में प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है, 64 अराउंड, ठीक है, और बाकी की थ्योरी कम की होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा का होता है। और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा मार्क्स का होता है, थ्योरी कम मार्क्स की होती है, तो उसकी क्लियरिफिकेशन के लिए आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किसकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है आपको, किसकी नहीं बनानी।
और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, ये भी पता लग जाएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल कहाँ देना है, कैसे देना है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, थ्योरी एग्ज़ाम्स कहाँ होते हैं, इस सब के रिगार्डिंग भी आपको वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, वीडियो चाहे मैंने 10th के लिए डाली हो चाहे 12th के लिए डाली हो, लेकिन सबके लिए सेम ही है। प्रयोग 4, गाइज आपको अपने रिटर्न प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी होती है, तो मैं बता दूँ कि आपकी कोर्स के साथ में जिन जिन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होना होता है उनके साथ में एक पतली सी लैब मैनुअल की बुक मिलती है, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं और जो आपको जिसमें से आपको कुछ प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करने होते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप ये जो प्रैक्टिकल लिखेंगे इसमें से कुछ अपने रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये जो डायग्राम्स हैं वो आपको पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, प्रयोग 5, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और जो भी अपडेट होता है नहीं उस पर वो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टू ऑन टाइम। ठीक है, प्रयोग 7, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं आपकी लैब मैनुअल में, ठीक है, उसमें से कुछ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कितने भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा करने होते हैं। ठीक है, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में कम प्रैक्टिकल हैं तो आप 8 भी कर सकते हैं। प्रयोग 8, यहीं से देख देख के आप अपना इंडेक्स बना लेंगे, पहले प्रैक्टिकल लिखेंगे उसके बाद आप अपना इंडेक्स बना लेंगे। प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी कैसे पेजेस पे है, तो आप उसके लिए जो पेजेस होते हैं वन साइड वाले A4 साइज शीट्स उस पर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है नोटबुक उसमें बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।
ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं, पेंसिल से ड्रॉ करने हैं ये सारे डायग्राम्स, ठीक है। कलर मत करना, अदरवाइज जो आपका रिटर्न साइड है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ कर देना है और लिख देना है, इसकी लेबलिंग कर देंगे आप। प्रेषण सावधानियाँ, जिन प्रैक्टिकल्स में सावधानियों और जिसमें जितना था वो लिखा हुआ है, सावधानियाँ और निष्कर्ष जिन प्रैक्टिकल्स में था वो लिख दिया है, जिनमें नहीं था उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। प्रयोग 9, थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है वो देख लेना आप। लास्ट के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, दो तीन प्रैक्टिकल्स जो कि 10th और 12th दोनों में सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सावधानियाँ, डायग्राम अच्छे से बनाना क्लियर करके, ठीक है। सबका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर के ऊपर, वाइवा के रिगार्डिंग या प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग या फिर किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। तंत्रिका कोशिका, ठीक है गाइज। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पे ख़त्म हो गई। जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसमें सॉल्व टीएमए और आपके थ्योरी एग्जाम्स के रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल या स्टडी मटेरियल डालूंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।